hello everyone in previous lecture i discussed about the various terminologies used in network analysis and we discussed also the introduction to project management and how network analysis is used in project management so the various terminologies used in network analysis were activity activity has a uh, indicators by the arrow while there was event event while well, the tail of the activity arrow is called the event while the head of the activity arrow is called as head event same way we discussed about the path network diagram predecessor activity successor activity dummy activity

नेटवर्क डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे इन अ लॉजिकल सिक्वेंस सभी इवेंट्स को एक नंबर असाइन किया जाएगा जैसे कि ये एक एक्टिविटी है तो इसकी ये जो है ये है टेल इवेंट और जो ये हेड है वो है हेड इवेंट और इन सभी को नंबर असाइन किया जाता है वन टू उसके बाद थ्री सेम वे इन सभी को नंबर असाइन किया जाता है द सीक्वेंस ऑफ नंबर शुड बी सच डैट इट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ नेटवर्क और इसकी जो सीक्वेंस होगी वो हमको ऐसे रखनी है कि वो फ्लो शो करे कि नेटवर्क किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ठीक है ऐसा नहीं है कि रेंडमली नंबर दे दिए या पहले थ्री को जो पीछे आ रहा था इवेंट उसको सपोज यहाँ पे वन दे दिया उसके बाद यहाँ पे थ्री दे दिया फिर टू नंबर दे ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेटवर्क का पूरा फ्लो उसमें इंडिकेट करता हो वैसे हमको नंबर्स देने हैं फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ डी आर फलकर फॉर नंबरिंग पर्पज अभी नंबरिंग ऐसे ही नहीं देने उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं सबसे पहला रूल है इनिशियल इवेंट विच हैज़ नो इनकमिंग एरो एंड ऑल आउट गोइंग एरो इज नंबर्ड वन जैसे कि सबसे पहली इवेंट है ये इवेंट है तो उसका जो टेल पोर्शन है वहाँ पे कोई आगे तो कोई इवेंट है नहीं ठीक है इसके पीछे यहाँ पे ये पीछे वाले पोर्शन में कोई भी इवेंट है नहीं तो उसको जहाँ पे कोई भी इनकमिंग एरो नहीं है यहाँ पे कोई इनकमिंग एरो है नहीं तो उसे हम असाइन करेंगे नंबर वन डिलीट ऑल द रोज कमिंग आउट फ्रॉम नोड वन विच विल रिजल्ट इन टू मोर नोड्स दिस न्यू नोड विल एक्ट एज इनिशियल इवेंट फॉर द न्यू इवेंट टू थ्री एंड फोर नंबर्स ऑफ दोज न्यू नोट्स नाउ सपोज देर इज अनदर इवेंट टू थ्री एंड फोर नाउ जो टू है थ्री है और फोर है उसके पहले वन आता है ठीक है वन के कंप्लीसन के बाद टू होगा टू के कम्प्लीशन के बाद थ्री होगा यहाँ पे वन के कंप्लीसन वन कम्प्लीट होगा तभी थ्री कम्प्लीट होगा तो हम रिपीटेडली थ्री टाइम्स वन नहीं लिखेंगे इंस्टेड हम वन को एज अ सिंगल नोट लिखेंगे उसके बाद इनको एरोस के थ्रू इंडिकेट करेंगे टू थ्री और फोर इन दिस वे वी विल इंडिकेट सबके लिए सेपरेट वे में नहीं लिखेंगे सिर्फ सिंगल नोट में से ही हम लिखेंगे ठीक और उनको नंबर दे देंगे टू थ्री एंड फोर फॉर द न्यू नोड नो टू इवेंट्स कैन हैव सेम नंबरिंग अभी जो भी दो इवेंट्स है तो उनका सेम नंबरिंग नहीं हो सकता तभी हमको पता चलेगा कि कौन सी इवेंट कौन सी है ठीक है फोर्थ इज हेड इवेंट मस्ट हैव हायर नंबर कंपेयर टू टेल इवेंट दैट इज बट ऑब्वियस जो नेटवर्क डायग्राम का जो पहला हमारा रूल था आ, कि जो भी सिक्वेंस हो, होनी चाहिए वो शुड बी इन अ इंक्रीजिंग वे दट रिप्रजेंट द फ्लो ऑफ नेटवर्क अभी यहाँ पर ये यह जो हेड है हेड इवेंट का हायर नंबर होना चाहिए देन टेल इवेंट यहाँ पे वन आया तो उसके बाद ही आना चाहिए रिवर्स वे में नहीं होना चाहिए कि यहां पे two है और उसके बाद वन है ठीक है no यही प्रोसीजर हमको फॉलो करना है टिल जब तक हम फाइनल नोड तक नहीं पहुंच जाते और फाइनल नोड के पास सभी इनकमिंग एरोस होने चाहिए उसमें आउट गोइंग एरो नहीं होना चाहिए ठीक है जबकि जैसे कि यहाँ पे ये सिक्स नंबर हमारा फाइनल नोड आया तो उसमें सिर्फ इनकमिंग एरोस होने चाहिए ठीक है तो उसमें से कोई आउट गोइंग एरो नहीं होना चाहिए ठीक है तभी वो फाइनल नोड कहलाएगा अदरवाइज़ इट विल बी इनकम्प्लीट सिक्स फाइनल इवेंट मस्ट नंबर सिंस इट इज एंड इवेंट और जो फाइनल नंबर होगा वो हाइएस्ट होगा इन वैल्यू क्योंकि वो एंड है ऑफ द इवेंट नाउ नेटवर्क मॉडल्स आर ऑफ टू टाइप्स जो नेटवर्क मॉडल है इसको ड्रॉ करने के दो टाइप्स से सबसे पहला है एक्टिविटी ऑन एरो एंड एओए एंड सेकंड इज़ एक्टिविटी ऑन नोड इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम इंडिकेट करेंगे अब तक अभी तक हमने जो जो इंडिकेट किया था वो सारे थे एक्टिविटी ऑन एरो मतलब कि यहाँ पे ये यह है इवेंट स्टार्ट हुआ वन फिर जो एक्टिविटी है वो हम एरो के ऊपर डिस्क्राइब करते थे ठीक है और ये यह यहाँ पे इवेंट टू नंबर पे स्टॉप हुआ ठीक है जो एक्टिविटी है वो ए हम एरो के ऊपर डिस्क्राइब करते थे ठीक है यहाँ पे और जो उस उसको कहेंगे एक्टिविटी ऑन एरो और अनदर वे है उसमें जो नोड है वो रिमूव करके एक्टिविटी को ही हम इंडिकेट करेंगे एज अ नोड यहाँ पे नोड नंबर की जगह इवेंट की जगह क्या होगा कि एक्टिविटी को नोड के रूप में ही यहाँ पे इंडिकेट कर दिया ठीक है वो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहला है एक्टिविटी ऑन एरो इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क मॉडल द ईच एक्टिविटी एंड एट नॉड और सर्कल यहाँ पे जो भी सारी की सारी एक्टिविटीज है वो एक नॉड या फिर सर्कल पे आके एंड करेगी लेट मी ड्रॉ हियर वन डायग्राम फॉर द सेम ये सपोज़ वन टू टू के लिए एक ए एक्टिविटी है उसके बाद टू से थ्री तक बी एक्टिविटी है फिर वहाँ से सपोज़ यहाँ पे टू से फोर के लिए सी एक्टिविटी है सो so, ये हो गया ए ओ ए डायाग्राम ए ओ एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम ठीक है यहाँ पे तीन एक्टिविटी है दैट इज जो तीन एक्टिविटी है वो है ए बी एंड सी और उन सबको हमने एरो के ऊपर इंडिकेट किया हुआ है और ये जो है यहाँ पे ये टेल इवेंट है ये हेड इवेंट है ठीक है और ये जो है ये यहाँ पे हेड इवेंट होगा इसके लिए और बी के लिए ये होगा टेल इवेंट नाउ दिस नोड्स रिप्रेजेंट्स पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग और एंडिंग ये नोड क्या रिप्रेजेंट करेंगे जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर एंडिंग पॉइंट है वो इंडिकेट करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो हियर द एरोज इटसेल्फ इंडिकेट द स्पान ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी जो एरो है ठीक है वो रिप्रेजेंट करेगा कि कितने स्पान में ये कंप्लीट होता है ठीक है यहाँ पे सपोज मेंशन किया गया है कि टेन मिनट में एक्टिविटी ये कंप्लीट होगी इसके बाद ये फाइव मिनट्स में कंप्लीट होगी ये ट्वेंटी मिनट्स में कंप्लीट होगी तो जो एरो होगी वो स्पान स्पेसिफाई करेगी कि एक्टिविटी कितने टाइम में कंप्लीट होगी दिस डायग्राम स्टार्ट्स विथ सिंगल नोड विथ नो प्रीडेसेसर में स्टार्ट ये डायग्राम जो है ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल नोड से ही स्टार्ट होगा और उसके आगे जो है वो कोई एक्टिविटी नहीं होगी द डायाग्राम देन फॉलोस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंडिंग विथ अ सिंगल नोड और ये डायाग्राम है वो लेफ्ट टू राइट फॉलो करेगा और उसमें विथ अ सिंगल नॉड के साथ वो एंड कर सकता है वेयर देर इज नो फॉलोवर कम टूगेदर यहां से ये जो है वो लेफ्ट से राइट right अभी ये जो है डायग्राम इसके आगे सपोज थ्री के बाद सपोज यहाँ पे फाइव है और फोर के बाद भी फाइव है तो ये सी के बाद सपोज ये यहाँ पे ये यह डी एक्टिविटी है और ये ई एक्टिविटी है तो जो ए डायग्राम में क्या होगा कि लेफ्ट से राइट right तक जब हम मूव करेंगे सो विथ सिंगल नोड वो एंड होगा वेयर देर इज नो फॉलोअर कम टूगेदर डमी एक्टिविटी आर ऑल्सो फॉलोज द सेम ट्रीटमेंट एज रियल एक्टिविटी और जो डमी एक्टिविटी हैं उनको सेम रियल एक्टिविटी का तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे यहाँ पे जैसे ये रियल एक्टिविटी हम इंडिकेट करते हैं वैसे ही हम डमी एक्टिविटी इंडिकेट करेंगे लेकिन जो भी डमी एक्टिविटी होगी उसको हम डॉटेड लाइन से इंडिकेट करेंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो है ए ओ ए डायग्राम के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि एक्टिविटी इफ़ एक्टिविटी बी एंड सी मस्ट फॉलो एक्टिविटी ए देन द ए डायग्राम इज ड्रॉन ओवर हियर ये यहाँ पे ये ए बी सी के लिए जो ये एक्टिविटी ए है मस्ट फॉलो यहाँ पे जो एक्टिविटी बी है मस्ट फॉलो एक्टिविटी ए ठीक है तो बी और सी कब स्टार्ट होगी जब ए कंप्लीट होगी तब ठीक है नेक्स्ट इज एक्टिविटी ऑन नोड एज मैंशन इन प्रीवियस सेक्शन नेटवर्क डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरो डायग्राम जो नेटवर्क डायग्राम है उसको एरो डायग्राम भी कहते हैं ठीक है सो इफ वी इंट्रोड्यूस डमी एक्टिविटी इन नेटवर्क डायग्राम वी हैव टू नंबर देम एज इवेंट एंड दैट एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड टू रिप्रेजेंट्स द प्रिसिडेंस रिलेशन बिटवीन द एक्टिविटी टू मेन्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप सो दिस रिजल्ट इन इंक्रीज नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ एंड लेंथी एंड कम्बरसन नेटवर्क एंड मोर टाइम एंड एफर्ट फॉर एनालिसिस यहाँ पे जो आगे जो डायग्राम हमने देखा ए ओ ए डायाग्राम उसमें क्या है प्रॉब्लम कि हमको डमी एक्टिविटी उसमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जबकि उसकी वजह से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एरोज है या फिर टेल इवेंट हेड इवेंट हम सब इंडिकेट करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से जो डायग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा सो टू अवॉइड अबो डिफिकल्टी एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन नोड कनेक्टेड टू द प्रिस एक्टिविटी दिस काइंड ऑफ डाइग्राम इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑन नोड डाइग्राम अभी जो प्रीवियस वाला ही डायग्राम था ठीक है उसी के लिए हम जो एन डाइग्राम है वो ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमको जो नोड है उसके अंदर एक्टिविटी इंडिकेट करनी है उसके बाद ए एक्टिविटी जो है वो कम्प्लीट होने के बाद बी एक्टिविटी स्टार्ट होगी और जो बी एक्टिविटी यहाँ पे है एक के कम्प्लीट होने के बाद पैरल में यहाँ पे सी एक्टिविटी भी स्टार्ट होगी ठीक है सो so, ये हो गया ए ओ एन डायग्राम और ये जो बी और सी जो है उसके बाद जो है वो मैंने इंडिकेट किया था कि यहाँ पे सॉरी uh, बी के बाद और सपोज यहाँ पे ई e इवेंट थी और जो सी के बाद डी इवेंट थी ठीक है सो so, वैसे डायरेक्टली हमको सिर्फ इवेंट्स के नेम इंडिकेट करने हैं ठीक सो so, यहाँ पे जो एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ हम ए बी सी तीन एक्टिविटी के लिए इंडिकेट करें सिंपली सो यहाँ पे वो नोड के रूप में ही यहाँ पे इंडिकेट किया जाएगा ठीक है सो so, ये है एन डायग्राम एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम and if we take AOA diagram the here it is the following is the AON diagram जो आगे का ए ओ ए था A activity on arrow diagram कैसा था कि सबसे पहले one था one के बाद two और जो ये यह यहाँ पे A था फिर two के बाद यहाँ पे three यहाँ पे four और ये B और C एओ ए डायग्राम था तो उसके लिए एओ एन डायग्राम ऐसा मिलेगा ठीक है नेक्स्ट इज नेटवर्क डायग्राम स्टेप्स एन इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नेटवर्क डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड फॉर प्रिपेरेशन ऑफ नेटवर्क डाइग्राम नेटवर्क डाइग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे उसके कुछ स्टेप्स हैं सबसे पहले डिसाइड द नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ कितनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ है ठीक है ए बी सी डी ई एफ जी जितनी भी एक्टिविटी है उनका नंबर डिसाइड कर दो कितनी है फिर डिसाइड द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी इन लॉजिकल सिक्वेंस मीन्स उसका ऑर्डर डिसाइड कर दो कि ए के बाद बी आएगा बी के बाद सी आएगा तो लॉजिकल सिक्वेंस जो है वो उसका डिसाइड कर दो ठीक है फिक्स द प्रीडेसेसर एक्टिविटीज़ एंड सक्सेसर एक्टिविटीज़ जो पहले की एक्टिविटी कौन सी है वो फिक्स कर दो और उसके बाद जो आती है ठीक है जैसे कि ए बी सी डी ये सारी इवेंट्स एक्टिविटीज़ uh, है तो उसमें से ए बी के पहले ए क्या होगी यहाँ पे प्रीडेसेसर एक्टिविटी और बी के बाद ए सी जो है वो होगी सक्सेसर एक्टिविटी सो वो डिसाइड कर लो फोर्थ इज अल्सो फाइंड आउट विच एक्टिविटीज कैन बी डन इन पैरेल विद द अधर एक्टिविटीज जो ये हम एक्टिविटीज यहाँ पे है उसमें पैरेल एक्टिविटीज कौन सी पॉसिबल है वो भी फाइंड आउट करना है ठीक है और सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर टू बी टेकन केयर वाइल ड्रॉइंग नेटवर्क डायग्राम एर आर एस फॉलोज यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंशन किए हुए जो हम नेटवर्क डाइग्राम ड्रॉ करते वक्त ध्यान में रखना है सबसे पहला पॉइंट है एरो शुड नॉट क्रॉस ई चेथर जो भी हम एरो इंडिकेट करें वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने चाहिए वेन क्रॉसिंग इज नॉट पॉसिबल टू अवॉयड ब्रिजिंग शुड बी डन जब क्रॉसिंग यहाँ पर अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है तो ब्रिजिंग ब्रिजिंग आपको मालूम होगा कि सपोज ये एक्टिविटी यहाँ से यहाँ जा रही है ठीक है और जो दूसरी एक्टिविटी है वो यहाँ से यहाँ जाएगी तो उसको यहाँ पर ब्रिज करके हमको इंडिकेट करना है ठीक है ब्रिजिंग शुड बी डन अगर पॉसिबल नहीं है तो नो टू और मोर एक्टिविटीज़ कैन बी कैन हैव सेम टेल एंड हेड इवेंट वो भी हमने इंडिकेट किया हुआ था कि जो भी दो या दो से ज्यादा जो एक्टिविटीज है उसमें सेम टेल या फिर सेम हेड नहीं हो सकता ठीक है तो मतलब वो सेपरेट इवेंट कैसे होगी वो हमको पता नहीं चलेगा ठीक है थीके? कि दोनों का टेल भी सेम है और हेड भी सेम है वैसा पॉसिबल नहीं है अन इवेंट इज नॉट फिनिश्ड अंटिल ऑल एक्टिविटीज फ्लोइंग इनटू इट आर कंप्लीटेड इवेंट इज जो इवेंट तब तक फिनिश नहीं होगा जब तक जो एक्टिविटीज फ्लो हो रही हो वो कंप्लीट ना हो जाए ठीक है नो सबसिक्वेंट एक्टिविट एक्टिविटी कैन बिगिन अंटिल इट्स टेल इवेंट इज कंप्लीटेड और जब तक टेल इवेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक अगली ये एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी ओनली वन इनिशियल इवेंट एंड वन एंड इवेंट इज टू बी देयर इन द नेटवर्क डाइग्राम सिर्फ एक इनिशियल इवेंट होनी चाहिए और एक एंड इवेंट होने चाहिए इन नेटवर्क डायाग्राम सो लेटस्ट डिस्कस विद दिस वन एग्जाम्पल अन असेंबली ऑफ इलेक्ट्रिक बस बार इज फॉलोज यहाँ पे असम्बली दी हुई है ठीक है कि जो एक्टिविटी है ए बी सी डी ई एफ जी एच इतनी ये एच तक एक्टिविटीज़ है यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जैसे कि ओपन जॉब ऑर्डर है ए के लिए फिर गेट कॉपर मटेरियल गेट हार्डवेयर देन कटिंग ऑफ कॉपर अगली एक्टिविटी है बेंडिंग ऑफ कॉपर पीसीस डीबरिंग प्रोसेस किया जाना है फिर उसका पॉलिसिंग किया जाना है टेस्टिंग ऑफ बस बार है तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है वो उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ठीक है और जो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रिडे एक्टिविटी कि ए के पहले कौन सी एक्टिविटी है कोई नहीं है इसकी वजह से यहाँ पे डैश है फिर बी के पहले कौन सी एक्टिविटी है ए सी के पहले कौन सी है ए है फिर डी के पहले कौन सी एक्टिविटी है बी है ठीक है यानी कि बी कंप्लीट होने के बाद डी स्टार्ट होगी ठीक है और ये डी कब स्टार्ट होगी जब बी कम्प्लीट होगी और ये सी और बी कब स्टार्ट होगी जब और जब ए कम्प्लीट होगी तब सो कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम फॉर द असेंबली ऑफ इलेक्ट्रिकल बस बार और इसका नेटवर्क डायग्राम हमें ड्रॉ करना है ठीक है so, सो सबसे पहले जो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी है ए एक्टिविटी है तो उसको हम इंडिकेट करेंगे ए एक्टिविटी वन टू टू ठीक है ए एक्टिविटी वन टू टू और जो ए एक्टिविटी है उसके बाद कौन सी आएगी दो एक्टिविटीज और है ठीक है ए के बाद कौन कौन सी है बी और सी यहाँ पे है बी और सी मतलब यहाँ पे हम दो एक्टिविटीज़ ड्रॉ करेंगे सबसे पहले होंगी यहाँ पे बी एक्टिविटी और उसको नंबर देंगे थ्री और उसके बाद यहाँ पे होगी सी उसको नंबर देंगे फोर ठीक है क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि जो ए है ए ए ए, ठीक है, उसके ये प्रीडेसेसर एक्टिविटी है, मतलब बी के पहले ए आता है और सी के पहले भी ए आता है ठीक है उसके बाद यहाँ पे क्या है कि बी के बाद कौन सी आएगी एक्टिविटी डी आएगी ठीक है सो यहाँ पे थ्री के बाद क्या होगा डी एक्टिविटी आएगी और यहाँ पे नंबर देंगे फाइव ठीक है सिमिलरली जो ई e है यहाँ पे ई e के पहले कौन सी है डी है तो यहाँ पे आएगा फाइव के पहले यहाँ पे फाइव टू सिक्स और यहाँ पे ई e एक्टिविटी आएगी ठीक है फिर यहाँ पे ई e के बाद कौन सी है एफ एक्टिविटी है तो यहाँ पे आएगी एफ एक्टिविटी और यहां पे नंबर दिया जाएगा सेवन फिर जो एट नंबर है वो किसके लिए है जी के लिए है और एफ के बाद यहां पे जी है और यहां पे एक और चीज मेंशन की हुई है कि जो सी है ठीक है वो भी आती है जी के पहले मतलब यहां पे जो जी जी है उसके स्टार्टिंग के पहले कौन सी आती है सी एक्टिविटी आती है ठीक है और जो वो अभी मैं मेंशन करूंगा और लास्ट वाला देख लेते हैं कि जो जी के बाद कौन सी आती है एच एक्टिविटी मतलब नाइन नंबर और यहाँ पे आएगा एच एक्टिविटी अभी यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो है जी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी एफ के बाद मतलब एफ कंप्लीट हुआ उसके बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि टेल इवेंट पे क्या आया जी एक्टिविटी स्टार्ट हुई ठीक है और जो जी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी सी के बाद ही स्टार्ट होगी सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको लूप मिला तो यहाँ पे आपको डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी ठीक है सो डमी एक्टिविटी कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे डॉटेड लाइन से इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे ये यह हो गई हमारी डमी एक्टिविटी सो so, यहां पे आप देख सकते हो कि जो ये जी इवेंट है वो इसका टेल पॉइंट है मतलब उसका स्टार्टिंग कब होगा जब एफ कंप्लीट होगा और ये जो सी है वो कंप्लीट होगा तब मतलब सी इवेंट कंप्लीट होगा इसको हम नेम नहीं दे सकते डमी एक्टिविटी को क्योंकि वो कोई इवेंट नहीं है एक्टिविटी नहीं है ठीक है जो सी है उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट होगा तो मतलब उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे डमी एक्टिविटी यूज़ करनी पड़ेगी ठीक है इन दिस वे वी ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम फॉर द सेम ठीक है सो दिस इज द कंप्लीट नेटवर्क डायग्राम and this is the end of our lecture thank you very much for listening me carefully have a nice day